हेलो गाइस, तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन की। ठीक है, ये फिजियोलॉजी का जीआई जो एक चैप्टर है उसमें से ये टॉपिक लिया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है गैस्ट्रिन के ऊपर, उसका पूरा शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज से हम ये सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जीआई ट्रैक्ट पर फिजियोलॉजी की। तो बात करें अगर हॉर्मोन्स की, तो हॉर्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट आर नोन एज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हॉर्मोन या जीआई हॉर्मोन्स। तो इसकी तीन कैटेगरीज में ये ब्रॉडली क्लासिफाई हुआ है। फर्स्ट वन इज़ गैस्ट्रिन फैमिली, सेकेंड वन इज़ सिक्रेटिन फैमिली एंड थर्ड इज़ अदर पॉलीपेप्टाइड्स। तो अगर देखें गैस्ट्रिन फैमिली में क्या आता है, गैस्ट्रिन फैमिली में आते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन एंड ऑब्वियसली गैस्ट्रिन आएगा। सिक्रेटिन फैमिली में क्या आ रहा है, जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ग्लूकागोन, सिक्रेटिन एंड वीआईपी, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। और अदर पॉलीपेप्टाइड्स वो भी आगे पता चलेगा कौन कौन से हैं। ठीक है, तो तीन कैटेगरीज में ब्रॉडली क्लासीफाई हुए हैं जीआई हॉर्मोन्स। फर्स्ट वन इज़ गैस्ट्रिन फैमिली, सिक्रेटिन फैमिली एंड अदर पॉलीपेप्टाइड। तो अगर गैस्ट्रिन फैमिली की बात करें तो सबसे पहले है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें सोर्स, गैस्ट्रिन मिलता कहाँ से, तो मेजरली जो है वो है जी सेल्स जो होते हैं स्टमक में, उससे मिलता है। कौन से सेल्स, जी सेल्स इन द स्टमक से ये प्रोड्यूस होता है जो कि एंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है। एंट्रल रीजन आपको पता होगा, पाइलोरिक एंट्रम जो एक रीजन होता है वहाँ पर ये जी सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट वन इज़ ये, फर्स्ट सोर्स तो यही होगा। सेकेंडली अगर देखें तो जी सेल्स जो होते हैं, ये जो जी सेल्स जो हमने देखे एंट्रल रीजन में, वो कॉनिकल शेप के होते हैं। कॉनिकल इस तरह का शेप होता है, तो ये कॉनिकल शेप में रहते हैं विथ एपेक्स प्रोजेक्टिंग टुवर्ड द ल्यूमेन। तो ये जो एपेक्स है वो ल्यूमेन की साइड होगा। ओके, तो ये ल्यूमेन के साइड इसका एपेक्स प्रेजेंट होता है और यहाँ पर माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एपिकल सरफेस ऑफ जी सेल्स कंटेन माइक्रोविलाई, और माइक्रोविलाई ऑफ जी सेल्स कंटेन रिसेप्टर फॉर केमिकल दैट मीडिएट गैस्ट्रिन रिलीज। माइक्रोविलाई में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे इनहेंस गैस्ट्रिन निकलता है। तो ये एक फर्स्ट हो गया कि जी सेल्स जो होते हैं स्टमक में एंट्रल रीजन में वहाँ से प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है, जो एपेक्स में ये कॉनिकल शेप के होते हैं जी सेल्स और इनके एपेक्स में माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं, उनके अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो मीडिएट करते हैं गैस्ट्रिन रिलीज। अदर देन दैट, ये तो स्टमक में बात कर ली, पर इसके अलावा हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, मेडुला एंड फीटल पैनक्रियाज में भी कुछ गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दो हमने सोर्स देख लिए एंड थर्ड सोर्स जो है वो गैस्ट्रिन एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर भी रिलीज होता है। कहाँ से, वेगस एंड शियाटिक नर्व से। तो ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। तो अगर हमने देखा गैस्ट्रिन की बात करें तो इट बिलोंग्स टू गैस्ट्रिन फैमिली। सोर्स हमने देख लिया, फर्स्ट वन इज़ जी सेल्स इन द स्टमक, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज़ इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, मेडुला, फीटल पैनक्रियाज, और इस ए न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी एक्ट करता है और निकलता कहाँ से, वेगस एंड शियाटिक नर्व से। तो ये हो गया इसकी सोर्स की बात। अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो गैस्ट्रिन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, इट्स अ पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तीन तरह से दिखता है अगर हम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स के बेसिस पर उसको डिवाइड करें, तो G34, G17 एंड G14। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही पता होगा तो काफ़ी। G17 जो है वो है प्रिंसिपल गैस्ट्रिन सिक्रीटेड फ्रॉम द स्टमक। तो G17 जो है जिससे प्रिंसिपल गैस्ट्रिन सिक्रीट होता है। ठीक है, इट्स अ मेजर स्टिमुलेटर। अगर बात करें फंक्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस, इस पे भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है। ये कहते हुए कि क्वेश्चन की फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिन यू हैव टू टेल, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद करना ज़रूरी है। अगर प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है उसका ये है कि ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड को और पेप्सिन सिक्रीशन को।
तो स्टमक में प्रेजेंट हो रहा है, स्टमक से निकल रहा है। तो ये स्टमक का मेजर काम क्या है? मेजर काम होता है कि जो HCl सिक्रीशन है उसको सिक्रीट करना और पेप्सिन को सिक्रीट करना। तो ये दोनों काम ही गैस्ट्रिन करता है। तो गैस्ट्रिन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल स्टिमुलेटर ऑफ HCl सिक्रीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। दो ही काम है स्टमक के, एक तो HCl सिक्रीट करना और एक पेप्सिन सिक्रीट करना। तो दोनों काम जो है वो स्टिमुलेट कौन करता है? गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है, ठीक है। फिर इट ऑल्सो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन। दिस इज ऑल्सो अ ट्रॉफिक एक्शन ऑफ गैस्ट्रिन। अब HCl को स्टिमुलेट कर रहा है, उसके लिए म्यूकोजा भी चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए लाइनिंग्स को, तो वो भी यही करता है। सो वन हैंड इट इज़ इंक्रीजिंग HCl सिक्रीशन, ऑन द अदर हैंड इट इज़ ऑल्सो स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन ऑल्सो और ऑफ स्टमक ऑल्सो, है ना, स्टमक ऑल्सो एंड ऑफ इंटेस्टाइन ऑल्सो। तो इसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक एक्शन ऑफ गैस्ट्रिन। फिर ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है। आगे जब हम पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन में और ज़्यादा पढ़ेंगे तो पता चलेगा गैस्ट्रिक मोटिलिटी को भी ये इंक्रीज़ करता है। फिर ये कॉन्ट्रैक्शंस करता है मसल्स एज अ गैस्ट्रो ईसोफिशियल जंक्शन में, ठीक है। जो लोअर ईसोफिशियल स्फिंक्टर है, यहाँ से ऐसे ये ईसोफेगस आ रहा है, यहाँ से ये स्टमक में जुड़ रहा है, तो यहाँ पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है वहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है उन मसल्स का, ताकि ये रिफ्लक्स ईसोफेजेटिस ना हो। मतलब अगर देखो यहाँ से फूड एंटर हो रहा है ईसोफेगस से स्टमक में, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कराने से ये फूड दोबारा वापस नहीं जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एट द गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन को कराता है। देन अगर बात करें थोड़े और फंक्शंस हैं, वो है कि ये एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, इंसुलिन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, मास मूवमेंट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको स्टिमुलेट करता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन पे भी इसका एक फंक्शन है। और अगर देखें तो इट कॉज कोलोनिक कॉन्ट्रैक्शन दैट इनिशिएट गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स आफ्टर अ मील। तो कोलोनिक मतलब कोलोन का कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है, ताकि वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करे और जिससे डेफिकेशन हो सके मील के बाद। डेफिकेशन आपको पता होगा, तो एक कोलोनिक इंट्रैक्शन भी यही कराता है। तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्शन होगा? एक तो कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है लोअर ईसोफेशियल स्फिंक्टर का, एक ये करा रहा है कोलोनिक कॉन्ट्रैक्शन का। अदर देन दैट ये स्टिमुलेट कराता है हिस्टामिन की सिक्रीशन को भी। कहाँ से? एंडोक्रोमेफिन सेल्स होते हैं हिस्टामिन का, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी एक और हार्मोन होगा जो हिस्टामिन में हम पढ़ेंगे कि ये एंडोक्रोमेफिन सेल्स जो होते हैं वहाँ से निकलता है, तो उनका स्टिमुलेशन भी कराता है। तो एक बार और देख लेते हैं अगर फंक्शंस। तो सबसे पहला क्या होगा कि भाई स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन सिक्रीशन मेजर इसका वर्क है। फिर ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा भी करा रहा है, मोटिलिटी इंक्रीज कर रहा है गैस्ट्रिक की। दो कॉन्ट्रैक्शंस करा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स एज अ गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन, और दूसरा कोलोनिक कॉन्ट्रैक्शंस करा रहा है। अगर स्टिमुलेट कर रहा है तो पैनक्रियाटिक सिक्रीशन कर रहा है, इंसुलिन सिक्रीशन कर रहा है ना, और हिस्टामिन का सिक्रीशन कर रहा है। तीन सिक्रीशन हो गए, पैनक्रियाटिक, इंसुलिन और हिस्टामिन। इसके अलावा जो बचा वो है मास मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन भी करा रहा है। ये इसकी मेजर फंक्शंस हैं। अब ये किस तरह से एक्ट करता है? तो इसका प्राइमरी फंक्शन हमने देख लिया कि एसिड सिक्रीशन इसका प्राइमरी फंक्शन है। और कहाँ से होता है? वो पैराइटल सेल्स से होता है। आई होप आपने पढ़ा होगा पैराइटल सेल्स और ये सब। अगर आपको नहीं पढ़ा है तो वो वाला मैं भी रिवाइज करा सकती हूँ, लेकिन ये बेसिक है। 12th में तो पढ़ा ही था कि पैराइटल सेल्स हैं, चीफ सेल्स हैं। तो ये वहीं से पैराइटल सेल्स से स्टिमुलेट कराता है एसिड सिक्रीशन। किस तरह से कराता है? तो एक चार्ट मैंने बनाया था। गैस्ट्रिन जो है वो गैस्ट्रिन और CCK कोलेसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर्स जो होते हैं उस पर एक्ट करता है। तो गैस्ट्रिन सबसे पहले क्या करेगा? ये जो रिसेप्टर्स हैं गैस्ट्रिन के या कोलेसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर हैं उन पर एक्ट करेगा। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? पैराइटल सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ये एक्टिवेट कराएगा तो किसके थ्रू कराएगा? ये सेकेंड मैसेंजर के थ्रू कराएगा। सेकेंड मैसेंजर कौन सा है? IP3 है, ठीक है। IP3 के थ्रू उसने कराया। इससे क्या हुआ? इससे इंक्रीज़ हुआ कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो गया। तो क्या हुआ? गैस्ट्रिन ने गैस्ट्रिन रिसेप्टर पे एक्ट किया जो पैराइटल सेल्स में प्रेजेंट है।
थ्रू सेकेंड मैसेंजर. कौन सा सेकेंड मैसेंजर? IP3, जिससे इंक्रीज हो गई कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन, जिससे की वजह से इंक्रीज होने की वजह से कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन से, तो इसने एक्टिवेट क्या कर दिया? प्रोटीन काइनेज को. प्रोटीन काइनेज क्या करता है? प्रोटीन काइनेज जो है एच पॉजिटिव के पॉजिटिव ATPase पंप को स्टिमुलेट करता है, जिससे एसिड सिक्रिएट हो जाता है. तो यह IP3 से कैल्शियम इंक्रीज हुआ, कैल्शियम इंक्रीज होने से एक्टिवेट कर दिया उसने प्रोटीन काइनेज से, जो कि स्टिमुलेट करेगा एच पॉजिटिव के पॉजिटिव ATPase पंप, जिससे एसिड सिक्रीशन होगा. तो इस तरह से ये मैकेनिज्म वर्क करती है. ठीक है, तो इसका मेन काम क्या था? एसिड सिक्रिएट करना. तो इस तरह से उसने इस मैकेनिज्म से स्टार्ट किया. फिर बात करें कंट्रोल की, तो किस तरह से होता है कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिन सिक्रीशन? तो सबसे पहले देख लेते हैं इंक्रीज कौन कौन करता है गैस्ट्रिन को सिक्रीट, मतलब इंक्रीज कौन कौन सी चीज़ें करती हैं गैस्ट्रिन के सिक्रीशन को. अगर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होगा, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन मतलब डिस्टेंशन का मतलब होता है कि इनलार्ज हो जाता है, जब हमारा स्टमक इनलार्ज हो जाता है जब हम खाना खाते हैं, ताकि वो उसको स्टोर कर सके या रख सके, तो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होता है. उसी टाइम हमें गैस्ट्रिन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि एसिड स्टिमुलेट हो, इंक्रीज़ हो और वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो हमारा फूड. तो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन के टाइम इंक्रीज़ हो सकता है गैस्ट्रिन सिक्रीशन. प्रोटीन डाइजेशन, जब प्रोडक्ट आ रहे हैं स्टमक के अंदर, तो इंक्रीज़ होगा. मेजर काम क्या है पेप्सिन का? प्रोटीन डाइजेशन. तो उसका अगर प्रोडक्ट आ रहे हैं प्रोटीन डाइजेशन के, तो एसिड इंक्रीज़ करना है, तो एसिड इंक्रीज़ करने के लिए हमें गैस्ट्रिन इंक्रीज़ करना पड़ेगा. अगर वीगल डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो अगर वीगल डिस्चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो गैस्ट्रिन सिक्रीशन इंक्रीज़ होगा. एपिनेफ्रिन की वजह से गैस्ट्रिन सिक्रीशन इंक्रीज़ होता है, और कैल्शियम की वजह से. कैल्शियम की वजह से तो हमने देख ही लिया ऊपर, जब ही कैल्शियम इंक्रीज़ हो रही है, जब ही तो एसिड सिक्रीशन हो रहा है. उसके अलावा अगर देखें, देर इज़ अ डिक्रीज इन गैस्ट्रिन रिलीज. किस वजह से होता है डिक्रीज गैस्ट्रिन का? सबसे पहले एसिड है स्टमक में, अगर ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट होगा तो गैस्ट्रिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना. ऑलरेडी देर इज़ एसिड, तो ज़्यादा उसकी ज़रूरत ही नहीं है. देन सोमाटोस्टैटिन, सिक्रेटिन, GIP VIP, तो अदर हॉर्मोन्स जो हैं, जैसे सिक्रेटिन अदर हॉर्मोन है, GIP VIP, ये सब इसको इनहिबिट कर रहे हैं. कैल्सिटोनिन एंड ग्लूकागोन, हम इन सब के फंक्शंस आगे बढ़ने वाले हैं, तो कोई इशू नहीं होगा. फिर बात करें, एसिड इन द एंट्रम इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, है ना. मैंने बता ही दिया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कैसे करता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर एसिड प्रेजेंट है, जैसे इस फ्लो चार्ट में देखो, देर इज़ ऑलरेडी हाई एसिडिक कंटेंट, तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा जी सेल्स को या पेराइटल सेल्स को, ताकि ये गैस्ट्रिन को रिलीज़ ना करें. गैस्ट्रिन को रिलीज़ नहीं करेंगे तो एसिड सिक्रीशन भी नहीं होगा, ठीक है. और थोड़ा सा विच इज़ पार्टली बाय डायरेक्ट एक्शन ऑफ सोमाटोस्टैटिन. सो दो तरीके हो गए, एक तो हो गया कि भाई फीडबैक मैकेनिज्म से कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से, और एक सोमाटोस्टैटिन के थ्रू वर्क कर रहा है. सोमाटोस्टैटिन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. ये फ्लो चार्ट आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है. अगर आपने इसको बना दिया तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे आपको. तो फूड अगर है स्टमक में, प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन है, सेम चीज़ जो ऊपर लिखी थी वो यहाँ पे है. वीगल स्टिमुलेशन है, तो ये सब इंक्रीज़ करेंगे. और जैसे ही जी सेल होगा, सिक्रीशन अप होगा पेराइटल सेल पे, और एच सी एल सिक्रीशन होगा. अगर ज़्यादा है, हाई एसिडिक कंटेंट है, एसिडुअल ड्यूडेनल काइम प्रेजेंट है, या फिर हॉर्मोन्स हैं GI VIP सोमेटोस्टैटिन, तो इससे निगेटिव मैकेनिज्म होगा. तो दिस फ्लो चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको अगर आपने याद कर लिया, तो कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रिन का समझ में आ जाएगा. थोड़ा बहुत क्लिनिकल एनाटॉमी भी है इसमें. ये इंपॉर्टेंट है, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम. तो ये क्या होता है? गैस्ट्रिनोमा हो जाता है या कोई ट्यूमर हो जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, हाइपर गैस्ट्रिनीमिया हो जाता है. अगर हाइपर गैस्ट्रिनीमिया हो जाता है तो पेप्टिक अल्सर्स प्रेजेंट हो जाते हैं, मतलब पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं हमारी बॉडी में या स्टमक के रीजन में, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब एब्डोमिनल पेन, डायरिया, गैस्ट्रो ईसोफिजियल रिफ्लक्स हो जाता है, जिससे हमें जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं इसको. बस इतना ही है, ठीक है. हाइपर गैस्ट्रिनीमिया हो जाता है जिस जो कॉज करता है पेप्टिक अल्सर को. पेप्टिक अल्सर होने की वजह से एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ईसोफिजियल रिफ्लक्स होता है. इसको हम बोलते हैं जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है.
इज वन मोर रीज़न कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है वो एलिवेट हो जाता है, जैसे कि इन पर्नीशियस एनीमिया में। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, पेराइटल सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसिड जो सिक्रीशन होता है वो लेस हो जाता है। तो एसिड सिक्रीशन लेस होगा तो हमने देखा है अगर एसिड कम है तो गैस्ट्रिन का स्टिमुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। तो एसिड इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू गैस्ट्रिन, ये एक हमने रिलेशन ऊपर देख लिया। तो एसिड अगर कम स्टिमुलेट हो रहा है तो गैस्ट्रिन इंक्रीज हो रहा है, तो ये पर्नीशियस एनीमिया के केस में भी होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यही था गैस्ट्रिन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आ सकता है। GI जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो इसका फिजियोलॉजी है, काफ़ी ईजी चैप्टर है। होप सो इन अ वीक वी विल कवर दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।